दोस्तों काफी दिनों से कोई ढंग का कॉमेडी मूवी देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इस साल मुझे फिर भी बॉलीवुड की तरफ से दो ऐसे मूवी देखने को मिले जो कॉमेडी तो नहीं था लेकिन फिर भी उसे देखकर मुझे हंसी जरूर आई। पहला मूवी था किसी का भाई किसी का जान और दूसरा मूवी था आदि पुरुष। लेकिन दोस्तों अब इंतजार हो गया खत्म, वो इसलिए क्योंकि आयुष्मान खुराना एक बार फिर से आ रहे हैं ऑडियंस को हंसाने के लिए, वो भी ड्रीम गर्ल बनके। भाई जब कोई मूवी सिर्फ 24 करोड़ में बनी हो और वो 200 करोड़ का कलेक्शन कर ले तो उस मूवी का सेकंड पार्ट बनना तो बनता है। और सही सुना आपने, आयुष्मान खुराना की मूवी ड्रीम गर्ल जो कि 2019 में आई थी वो मूवी सिर्फ 24 करोड़ में बनी थी और मूवी ने कलेक्शन किया था 200 करोड़ का। और उस साल 2019 में ड्रीम गर्ल उस साल की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवी रही थी। ड्रीम गर्ल पार्ट 1 में आयुष्मान खुराना ने सिर्फ पूजा की आवाज निकाल के अपने शहर के सारे मर्दों को अपने पीछे घुमाया था, लेकिन इस बार पार्ट 2 में आयुष्मान खुराना सिर्फ पूजा की आवाज नहीं निकालेंगे बल्कि वो पूजा बन करके अपने शहर के सारे मर्दों को अपने पीछे घुमाने वाले हैं। यानी इस बार ड्रीम गर्ल पार्ट 2 में हम आयुष्मान खुराना को पूरी मूवी लड़की बनके घूमते हुए देखेंगे और इस मूवी में कॉमेडी इस बार जबरदस्त होने वाला है। और इस मूवी में कॉमेडी के लिए बॉलीवुड के सारे उस्ताद मौजूद हैं, परेश रावल, अन्नू कपूर, राजपाल यादव, विजय राज और भी बहुत सारे फेमस चेहरे हैं। आयुष्मान खुराना जो कि इस मूवी में कर्ज में डूबे हैं और उनकी एक गर्लफ्रेंड भी है अनन्या पांडे। भाई ऐसा तो सिर्फ मूवी में होता है। अनन्या पांडे के पिता आयुष्मान खुराना को चैलेंज करते हैं कि हिम्मत है तो 6 महीने में 25 लाख कमा के दिखाओ, उसके बाद शादी की बात करना। 6 महीने में 25 लाख कमाना ये तो सिर्फ हर्षद मेहता कर सकते हैं, लेकिन इस मूवी में आयुष्मान खुराना क्या करे। फिर क्या करना था, बन गए आयुष्मान खुराना सिंगल और आवारा लॉन्डो के ड्रीम गर्ल। अब लोगों के ड्रीम गर्ल बनने के चक्कर में आयुष्मान खुराना सच में एक आदमी से शादी भी कर लेते हैं। मूवी देखने में तो मजा आने वाला है, कैसे आयुष्मान खुराना 6 महीने में 25 लाख कमाएंगे, कैसे वो नकली शादी से अपने आप को बचाएंगे, कैसे अनन्या पांडे से वो शादी करेंगे, और सबसे मेन बात क्या आयुष्मान खुराना ड्रीम गर्ल पार्ट 2 में ड्रीम गर्ल का कैरेक्टर का दी एंड करेंगे या फिर इस कैरेक्टर को वो कंटिन्यू करते रहेंगे। वैसे मुझे ऐसा लगता है इस ट्रेलर में कहानी कुछ ज्यादा रिवील हो गया है, लेकिन अब जो भी हो 25 अगस्त को तैयार रहना कॉमेडी का डोज लेने के लिए।